वृंदा ब्लॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर इंडियन गायक और अभिनेता तलत महमूद के बारे में, जो कि गज़ल गायकी में बहुत ही अच्छा नाम है। और दोस्तों, इनका जो पूरा नाम है वो तलत महमूद, अन्य नाम तपन कुमार, इनकी बायोग्राफी और इनका फिल्मी करियर आप सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, इनका जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ और मृत्यु 9 मई 1998 को मुंबई में हुआ। ये गायक और अभिनेता रहे। इनकी मुख्य फिल्में रही मालिक, सोने की चिड़िया, एक गांव की कहानी, दिवाली की रात, रफ्तार, डाक बाबू, वारिस, दिले नादान, तुम और मैं, राज लक्ष्मी इत्यादि। पुरस्कार और उपाधि की बात की जाए तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1992 में। और प्रसिद्धि थी इनकी गजल गायक के रूप में, गजल गायकी को श्रेष्ठता और सम्मान दिलाने में इनका खास योगदान था। ये इंडियन हैं और तलत जी ने हिंदी फिल्मों में आखिरी बार जहां आरा के लिए गाया था। इस फिल्म का संगीत मदन मोहन ने भी दिया था। दोस्तों, तलत महमूद 1924 में इनकी जन्म हुई और लखनऊ में, और भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता थे। इन्हें गजल गायक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त की। शुरुआती के दिनों में तपन कुमार के नाम से जाने जाते थे ये और गाने गाते थे। बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के तलत महमूद के लिए संगीत एक जुनून था, जबकि उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। मात्र 16 वर्ष की उम्र में गजल गायक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत करने वाले तलत महमूद ने जमाने की जानी मानी अभिनेत्रियां सुरैया, नूतन, माला सिन्हा के साथ हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। इनके योगदान के लिए 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनकी जो तलत महमूद का जो खानदानी परिवार मुस्लिम परिवार था और 24 फरवरी 1924 में जन्मे इनके थे। इनके पिता का नाम मंजूर महमूद था। 3 बहन और 2 भाइयों के बाद तलत महमूद 6 संतान थे। घर में संगीत और कला सुसंस्कृत परिवेश इन्हें मिला। इनकी बुआ को तलत की आवाज़ बहुत पसंद थी और भतीजे तलत महमूद बुआ से प्रोत्साहन पाकर गायन में आकर्षित होने लगे। प्रथम गायकी की बात की जाए तो लखनऊ आकाशवाणी में इन्होंने गाना शुरू किया मात्र 16 वर्ष की उम्र में। और तलत महमूद ने गायक और अभिनेता बनने की चाहत 1944 में कोलकाता चले गए। उन्होंने शुरुआत में तपन कुमार के नाम से गाना गाया, इसके बाद बंगाली गाने भी गाए। वास्तव में कैमरे के सामने आते ही तलत महमूद तनाव में आ जाते थे, जबकि गायन में सहजता महसूस करते थे। उसके बाद उन्होंने मुंबई आए। मुंबई आके इन्होंने प्रसिद्धि और सफलता मिली। धीरे धीरे 1949 में अनमोल रतन, 1950 आरजू, 1950 के उनके करियर में विशेष चमक मिली। आरजू की गजल ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, उन्होंने इनसे लोकप्रियता हासिल की। दिलीप कुमार अनूठा योगदान बना और आगे इनका जो है सफलता इन्होंने प्राप्त करने लगे। दोस्तों, गजल गायकी को तलत महमूद ने सम्मानीय ऊंचाइयों पर पहुँचाया। उत्कृष्ट शब्दावली की गजलें ही चयनित करते थे और बहुत ही अच्छा गाते थे। तलत महमूद पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने 1956 में विदेश में कार्यक्रम दिया, और इसके अलावा उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल, अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गार्डन और वेस्ट इंडीज के जिन पियरे कॉम्प्लेक्स में भी कार्यक्रम दिया। दोस्तों, इनके प्रसिद्ध नगमे हैं जाए तो जाए कहाँ, टैक्सी ड्राइवर, सब कुछ लुटा के होश एक साल, और फिर वही शाम वही गम, मेरे करार ले जा सामे गम की कसम, इस तरह से बहुत सारे इनके प्रसिद्ध नगमे हैं। फिल्मी सफर में मालिक, सोने की चिड़िया, एक गांव की कहानी, दिवाली की रात, रफ्तार, डाक बाबू, बारिश, दिले नादान, आराम, संपत्ति, तुम और मैं, राजलक्ष्मी इत्यादि थे। पुरस्कार में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 1995-96। तलत महमूद को अपने लंबे करियर के हिंदी समेत विभिन्न भाषाओं में करीब 800 गीत गाए, उनके लिए उनको नवाजा गया।
दोस्तों, अपने मखमली आवाज के जरिए लोगों को अरसे तक अपना दीवाना बनाने वाले इस कलाकार ने 9 मई 1998 को दुनिया से विदा ली। तो इस तरह थी इनकी कहानी, इनकी जो फिल्मी करियर ग्राफ से लेकर इनका व्यक्तिगत जीवन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।